हेलो 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 बच्चों, आवाज़ आ रहा है बच्चों? हेलो कर दीजिए, ये ना गिर ही जाता है उसी में, रुकना कैसे लगाऊं, ये तो गिर ही जाता है बार बार। चलिए लगाऊंगी, गिरेगा तो। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सब? गुड इवनिंग सबको। अभी आज हम लोगों का क्लास काफ़ी गैप के बाद हो रहा है, फिर भी व्यूअर्स काफ़ी दिख रहे हैं मेरे को। सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, है ना? चलिए आज हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, क्लास 11th का बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्लास 11th का फोर्थ चैप्टर, प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। ठीक है, सब लोग तैयार है ना? चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग प्राणी जगत, जैसे कि इसका नाम है प्राणी जगत, तो आप प्राणी किसे बोलेंगे? और प्राणी जगत का हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो हम लोग प्राणी बोलेंगे कैसे, सबसे पहले ये प्रश्न ये उठता है। तो वो सभी एनिमल्स हैं जिनमें जो बहुकोशिकीय होते हैं, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जो विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी मतलब अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। हॉलिस्टिक, उनमें क्या होता है, होलोब्लास्टिक मतलब प्राणी समभोजी पोषण पाया जाता है, मतलब वो अपना भोजन निगल के खाते हैं। उनमें जो वृद्धि होती है वो सब पूरे शरीर में एक साथ होती है और निश्चित अवधि तक होती है। उनमें प्रचलन पाया जाता है, गतिशील होते हैं। वो सब क्या हैं, एनिमल्स हैं या प्राणी हैं। दोबारा सुन लीजिए, प्राणी वो हैं जो बहुकोशिकीय हो, जिनकी कोशिकाएं यूकेरियोटिक हो, विषम पोषी हो, मतलब अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकते क्योंकि उनमें क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, और परजीवी, सॉरी, इसके अलावा कैसा होता है, अपना भोजन प्राणी समभोजी प्रकार, मतलब अपना भोजन निगल कर खाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जिनमें प्रचलन पाया जाता है, उत्तेजनशीलता पाई जाती है, वृद्धि एक समान होती है, निश्चित अवधि तक होती है। वो तो वो कौन है, सब एनिमल्स हैं, जंतु हैं, प्राणी हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, अभी तक लगभग 10 लाख प्राणियों का अध्ययन किया जा चुका है। तो क्या होता है, प्राणियों की बाहरी संरचना अलग भी हो सकती है, देखने में हो सकता है वो अलग हो, लेकिन उनका कोशीय स्तर, ऊतक संगठन स्तर, उनमें डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक स्तर, मतलब द्विकोशीय स्तर है या त्रिकोशीय स्तर है, उसमें गुहा उपस्थित है या नहीं, उसका पाचन तंत्र कैसा है, उत्सर्जन तंत्र कैसा है, जनन तंत्र कैसा है, इन सब चीज़ में समानताएं बहुत सारे जीवों में होती हैं। इन सब चीज़ों में समानताएं होने के आधार पर उन्हें एक संघ में रखा जाता है, और जिन चीज़ों में समानताएं नहीं होती उन्हें दूसरे संघ में रखा जाता है। अर्थात प्राणी जब बाहर से अलग अलग दिखते हैं, तब भी उनमें कोशिकीय स्तर पर या पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, गुहा की उपस्थिति, अनुपस्थिति, सममिति, उसका मतलब किस तरह से काटा जा सकता है, गुहा ये, और उनमें नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, अनुपस्थिति, इस आधार पर बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं बाहर से अलग दिखने के बाद भी। इन समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर
प्राणी जगत को मुख्य रूप से 11 संघ में बांटा गया है। आज हम उन्हीं संघ पर चर्चा करेंगे। वर्गीकरण पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी होती है जो बार बार उपयोगी होगी, उसको हम लोगों को पहले समझना है। जैसे सममिति क्या होती है, द्विस्तरीय त्रिस्तरीय क्या होते हैं, जनन स्तर क्या होता है, ये सब हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, प्राणी जगत एनिमल किंगडम चैप्टर 4 क्लास 11 बायोलॉजी सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सममिति या सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, ये सिमिट्री तीन प्रकार की है मुख्य रूप से, असममित, एसिमिट्री, अरीय सममित, रेडियल सिमिट्री, द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरल सिमिट्री। अरीय सममिति को त्रिज्या सममिति भी कहते हैं। असममित मतलब एसिमिट्रिकल, अरीय सममित मतलब रेडियल सिमिट्री, द्विपार्श्व सममित मतलब बाइलेटरल सिमिट्री। देखिए क्या होती है, देखो आप ये इसको देख पा रहे हैं, स्टार फिश को देख पा रहे हैं? इसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ये जो स्टार फिश है, आप अक्ष से होते हुए कोई भी लाइन खींच के देख लीजिए, ये स्टार फिश दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। आप सेंटर से होके जाना चाहिए, कोई भी रेखा खींच के देख लीजिए जो सेंटर से होके जाए। देखिए आपने अगर ऐसे सीधी रेखा खींची तो स्टारफिश दो इक्वल पार्ट्स में बंट जाएगी, अगर आपने ऐसे सीधी रेखा खींची तो स्टारफिश ऐसे दो इक्वल पार्ट्स में बंट जाएगी। यानी रेडियल सिमिट्री या अरीय सममित का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म को मुख्य अक्ष से होते हुए ऐसी रेखा खींची जाए जिससे वो दो बराबर भागों में बट जाए, तो उसे बोलते हैं रेडियल सिमिट्री। ठीक है, दूसरा आता है बाइलेटरल सिमिट्री। आपको ये दिख रहा है ना, ऑर्थोपोड का चित्र बना हुआ है, कॉकरोच समझ लीजिए, कॉकरोच है ना। इसमें आपको दिख रहा है, क्या आप मुख्य अक्ष से होते हुए कोई ऐसी रेखा खींच सकते हैं जिससे ये दो बराबर भागों में बट जाए? आप देखेंगे इसमें मुख्य अक्ष से होते हुए कोई सी भी रेखा खींच दिए हैं तो दो बराबर भागों में बट गया है, लेकिन बाइलेटरल या द्विपार्श्व सममित एनिमल्स वो होते हैं जिनको केवल मुख्य अक्ष से एक विशेष अक्ष से होते हुए केवल एक ऐसी लाइन खींची जा सकती है जिसके द्वारा वो दो बराबर भागों में बट जाते हैं। केवल एक लाइन होती है, देखिए अगर आपने ये लाइन ऐसे खींची है, अगर ये यहाँ पर हमने ऐसे खींच दी होती तो क्या हो, अगर हमने लाइन यहाँ खींची होती तो क्या ये दो बराबर भागों में बटता? नहीं बटता, यहाँ ज़्यादा पोर्शन होता, यहाँ कम पोर्शन होता। अगर हमने ऐसे भी खींचा होता तो भी ये दो बराबर भागों में नहीं बट पाता, कुछ अंग यहाँ रह जाते हैं और कुछ अंग ऐसे खींचते तो भी नहीं होता। अर्थात कोई विशेष एक रेखा ऐसी जो मुख्य अक्ष से होते हुए गुजरे और दो पार्ट्स में बराबर बराबर बांट दे, बाएं दाएं या ऊपर नीचे, तो ज़्यादातर बाएं या दाएं में ही बांट पाते हैं, तो उसे बोलते हैं बाइलेटरल सिमिट्री। और मुख्य अक्ष से होते हुए कोई भी ऐसी रेखा खींच जाए जिससे वो दो बराबर भागों में बट जाए तो उसे बोलते हैं रेडियल सिमिट्री। इकाइनोडर्मेट्स रेडियल सिमिट्री में पाए जाते हैं और बाइलेटरल सिमिट्री सब में पाई जाती है, जो सामान्यतः आप जीव जंतु देखते हैं ना, चाहे वो मछली हो, उभयचरों मेंढक वगैरह, मगर वगैरह हो, या फिर बंदर हो, पक्षी हो, या मैमेलिया हो, हम सब क्या होते हैं बाइलेटरल सिमिट्रिकल होते हैं। बीच में से अगर एकदम सीधी रेखा खींची जाए तो हमारा शरीर दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एसिमिट्री वो होती है जब किसी भी प्लेन से जीव को काट के दो बराबर भागों में ना बांटा जा सके तो उसे असममित या एसिमिट्रिकल कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल है स्पंज, साइकन, पॉरीफेरन्स। क्लियर, क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। तो असममित मतलब किसी भी प्लेन से जीव के दो बराबर भागों में ना बांटा जा सके तो एसिमिट्रिकल या असममित। अरीय सममित मतलब किसी भी लाइन मुख्य अक्ष से होते हुए कोई भी लाइन खींच के शरीर को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं तो
रेडियल सिमिट्री और द्विपार्श्व सममित या बाइलेटरल सिमिट्री, मतलब कोई एक विशेष लाइन से बाएं और दाएं दो भागों में बांटा जा सके। ज़्यादातर यही सिमिट्री पाई जाती है, आपको इसी को याद रखना है, बाइलेटरल सिमिट्री। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं ना वो या तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं या वार्म ब्लडेड होते हैं। असमतापी मतलब कोल्ड ब्लडेड, और समतापी का मतलब होता है वार्म ब्लडेड। अब ये क्या होता है, आपने देखा होगा, ये मेंढक को आपने देखा होगा ना, या मेंढक आपको अधिकतर कब दिखाई देता है, बरसात के मौसम में टर्र टर्र करते हुए। छिपकली आपको कब दिखाई देती है, ज़्यादातर छिपकली है, सेलामेंडर है, गिरगिट जिसे बोलते हैं, ये सब आपको कब दिखाई देते हैं, ज़्यादातर गर्मियों में दिखाई देते हैं, है ना। तो बाकी समय ये कहाँ चले जाते हैं, कहीं तो जाते होंगे। तो क्या होता है, बाकी ये क्या होता है जी, ये एनिमल्स जो होते हैं ना, ये इनमें ना एक ऋतु के प्रति आकर्षण रहता है, एक ऋतु में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, बाकी ऋतु में कम सक्रिय रहते हैं। जैसे जो कोल्ड ब्लडेड या असमतापी एनिमल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जैसे छिपकली है, वो गर्मी की ऋतु में तो बहुत सक्रिय रहती है, लेकिन सर्दी आती है ना, तो उस समय क्या करती है, वो अपने शरीर की सारी शारीरिक क्रियाओं को सबसे लोएस्ट कर देती है, सबसे कम कर देती है, और सारी शारीरिक क्रियाओं को लगभग रोक देती है, लगभग रोक देती है, और किसी एक स्थान पर चुपचाप जाके पड़े रहती है। इसे बोलते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता, एस्टिवेशन, और ये किस में पाया जाता है, छिपकली वगैरह में। एस्टिवेशन या फिर ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सॉरी ग्रीष्म निष्क्रियता इसमें, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो शीत ऋतु में आपको दिखाई नहीं देंगे, केवल गर्मियों में आपको दिखाई देते हैं, जैसे छिपकली, छिपकली को यहाँ आएगा, छिपकली को यहाँ लिखेंगे, शीत निष्क्रियता, सर्दियों में दिखाई नहीं देती। ऐसे ही मेंढक है, वो गर्मियों में दिखाई नहीं देता, बरसात में और थोड़ा बहुत ठंडी में दिखाई देता है। तो जो लिविंग बींग्स कब दिखाई, जिस ऋतु को सहन नहीं कर पाते, क्या होता है, ये ब्लड से संबंधित है, समतापी असमतापी यानी ये ब्लड से संबंधित होता है। क्या होता है, समतापी जो एनिमल्स होते हैं ना, उनका शरीर वातावरण में होने वाले ठंडी या गर्मी के ऋतु के हिसाब से बदलता नहीं है, तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं समतापी या वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्लियर है। जैसे हम लोगों का तापमान शरीर का हमेशा कितना रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98 फारेनहाइट, ठीक है ना। लेकिन जो असमतापी होते हैं, उनके शरीर का तापमान वातावरण में अगर ठंडी हो जाती है, तो उनके ब्लड का तापमान ठंडा कम हो जाता है, और वातावरण में अगर गर्मी होती है, तो उनके शरीर का तापमान, ब्लड का तापमान बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं असमतापी। अब ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, या तो शीत निष्क्रियता में जाते हैं या ग्रीष्म निष्क्रियता में। ग्रीष्म निष्क्रियता उसे बोलते हैं जब ग्रीष्म ऋतु में वो निष्क्रिय होके कहीं पड़े रहते हैं, तो उसे बोलते हैं एस्टिवेशन। और जो लिविंग बींग शीत ऋतु में सक्रिय नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं हाइबरनेशन या शीत निष्क्रियता। ये तो ग्रीष्म निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता का उदाहरण है छिपकली, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन। और ग्रीष्म निष्क्रियता को बोलते हैं एस्टिवेशन। क्लियर है। भैया क्लियर है, तो ग्रीष्म शीत निष्क्रियता क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक है।
अब क्या होता है, जो लिविंग बींग्स होते हैं ना, आवाज नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है, देखो तो। हेलो, आवाज आ रहा है या नहीं बच्चों, बताओ, आ रहा है ना आवाज बच्चों, आवाज आ रहा है या नहीं बताइए। बच्चों आवाज आ रहा है या नहीं लिख के बताइए। आ रहा है, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, प्राणी जगत का वर्ग। गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है बच्चों, आ रहा है आवाज। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्राणी जगत का वर्गीकरण। प्राणी जगत के वर्गीकरण में देखिए कुछ एक चीज और बता देते हैं। वर्गीकरण में देखिए कार्य क्या क्या आएगा, सममिति बार बार आएगी, समतापी असमतापी आएंगे, और कोशीय स्तर पूछा जाएगा, बार बार बताया जाएगा। कोशीय स्तर का मतलब होता है कुछ जीवों के शरीर का संगठन केवल कोशिका स्तर का रहता है, केवल एक कोशिका के बने होते हैं, तो उसे बोलते हैं कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन। कुछ जीव ऐसे होते हैं थोड़े विकसित होते हैं, उनका शरीर केवल ऊतक स्तर का होता है, तो उसके शरीर के संगठन को बोलते हैं ऊतक स्तर का, ठीक है। कुछ जीव या अधिकांश जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर का संगठन अंग स्तर का होता है, मतलब अंग पाए जाते हैं उनमें, ठीक है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं, नहीं, अधिकांश जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर अंग तंत्र स्तर का होता है, जिनमें अंग तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं प्राणी वर्गीकरण यानी एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन। जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, उन्हें मुख्य रूप से कितने में बांटा गया, इन 11 संघ में बांटा गया है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको, लिविंग बींग मतलब जंतु हैं, उनको कहीं ना कहीं इनमें से किसी ना किसी संघ से वो संबंधित होते हैं, किसी ना किसी संघ में होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला संघ जो है वो है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में कौन आता है, पॉरीफेरा में आते हैं साइकन और स्पंज, ठीक है। और पॉरीफेरा के जो जंतु होते हैं उनका शरीर संगठन कैसा होता है, कोशिकीय स्तर का रहता है, ठीक है। और शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का रहता है, और सममिति कैसी होती है, असममित। ये लिविंग बींग्स जो होते हैं ना, ये असममित होते हैं पॉरीफेरा के, कोई असममिति होती ही नहीं, असम मतलब शरीर संगठन अनिश्चित टाइप का होता है। एक उदाहरण इसका देख लेते हैं, देखिए ये है साइकन या स्पंज या पॉरीफेरा का एनिमल। इसका पूरा, ये भी पॉरीफेरा है ना, क्या होता है इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पॉरीफेरा जो बना है ना, वो किससे बना है, पोरस से। पॉरी मतलब पोरस, पोरस मतलब बहुत सारे छिद्र, फेरा मतलब बहुत सारे। जब बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं पॉरीफेरा। तो ये सारे साइकन स्पंज जो होते हैं ना, वो पॉरीफेरा, इनका पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें ऑस्टिया बोलते हैं, और ये छिद्रों से पानी अंदर प्रवेश करता है, अंदर प्रवेश करके एक केंद्रीय नाल में चला जाता है। यहाँ जितने भी छिद्र हैं, मान लीजिए बहुत सारे छिद्र हैं इसके चारों ओर, ये सारे छिद्र अंदर में जाके एक केंद्रीय नाल होती है, उसमें जाके खुलते हैं। और जो केंद्रीय नाल होती है ना, बाद में एक बड़े से छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है, उसे बोलते हैं ऑस्क्यूलम। ये दिख रहा है आपको, ये ऑस्क्यूलम है, छिद्र जैसा दिख रहा है, ये ऑस्क्यूला। तो पॉरीफेरा के जंतुओं का शरीर संगठन किस स्तर का रहता है, केवल कोशिका स्तर का, इसमें केवल कोशिका पाई जाती है, ठीक है। और इनके पूरे शरीर में क्या पाया जाता है, छेद पाए जाते हैं, इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, असंगठित शरीर होता है, किसी भी आकार प्रकार का होता है, और बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, और वो सारे छिद्र एक मुख्य छिद्र के द्वारा, जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं, उसके द्वारा बाहर, क्लियर है। ये भी स्पंज है, ये साइकन है, और ये जो साइकन और स्पंज होते हैं ना, इनके शरीर को जब ये मर जाता है ना लिविंग बींग, तो इनका जो कंकाल जो बचा रह जाता है, उसका उपयोग हम लोग
पैर पत्थर रगड़ते हैं, एड़ी रगड़ने वाले पत्थर के रूप में उपयोग करते हैं, उसे बोलते हैं प्यूबिक स्टोन। जो छिद्रित पत्थर होता है ना, देखो आपको ये दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये छिद्रित पत्थर को हम लोग उपयोग करते हैं पैरों की एड़ियों को रगड़ने के लिए, वो प्यूबिक स्टोन, यही कंकाल रहता है। ठीक है, और भी समुद्री एनिमल्स रहते हैं, सी एनिमोन वगैरह, उनका भी रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो सबसे पहला संघ है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का मतलब होता है, अच्छा चलिए आप लोग चैटिंग तो मत कीजिए, थोड़ा तो कंसंट्रेट कीजिए पढ़ाई पर। ठीक है, पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए आप लोग, क्या क्या बात कर रहे हैं। तो पॉरीफेरा क्या होता है? पॉरीफेरा मतलब ऐसे जीव जिनका पूरे शरीर में छिद्र पाए जाते हैं और वो सारे छिद्र एक ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर खुलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं सेकंड में। सेकंड है सीलेंट्रेटा। देखिए दूसरा संघ कौन सा है? सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल तो था स्पंज, साइफन, पॉरीफेरा का एग्जाम्पल था साइफन या फिर स्पंज। ठीक है, और सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल आप सब जानते हैं हाइड्रा। सीलेंट्रेटा में जो जीव आते हैं ना, उनका क्या होता है, उनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले समझ लीजिए इनका शरीर संगठन स्तर कैसा होता है। सीलेंट्रेटा का ऊतक स्तर का होता है, मतलब पॉरीफेरा में केवल कोशिकाएं पाई जाती थी, लेकिन सीलेंट्रेटा के जंतुओं में क्या पाया जाता है, ऊतक पाया जाता है। और इनके शरीर की सिमिट्री कैसी होती है, अरीय। अरीय मतलब रेडियल। ठीक है, रेडियल का मतलब होता है, रेडियल का मतलब होता है एक मुख्य रेखा, अगर मुख्य अक्ष से होते हुए एक रेखा खींची जाए तो इन्हें दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। मुख्य अक्ष से होते हुए कोई भी रेखा के द्वारा इन्हें दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। क्लियर है, है ना? और ये क्या होता है, इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिकाओं का मतलब होता है स्पर्शक वगैरह पाए जाते हैं। इनका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, तब समझ में आएगा आपको। ये सब साइफन और स्पंज का उदाहरण है, पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है सारा। हाँ, ये देखिए, ये है हाइड्रा। ये क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा किसमें आता है? सीलेंट्रेटा में। सीलेंट्रेटा में जितने भी जीव होते हैं वो अरीय सम्मित होते हैं, उनमें ऊतक स्तर का संगठन पाया जाता है, अंग नहीं पाए जाते, केवल ऊतक पाया जाता है। और इसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिकाएं क्या करती हैं, भोजन को पकड़ने का काम करती हैं, शिकार को पकड़ने का काम करती हैं और अपनी रक्षा करती हैं। हाइड्रा में दंश कोशिकाएं होती हैं, उन्हें बोलते हैं स्पर्शक। ये आपको दिख रहे हैं ना, फ्लैजिला जैसे, ये चाबुक जैसे जो दिख रहे हैं, इन्हें स्पर्शक कहते हैं। इन स्पर्शक के द्वारा ही हाइड्रा भोजन को पकड़ता है और फिर अपने शरीर के अंदर डालता है और अपने शत्रुओं से रक्षा भी इसी के द्वारा करता है। तो सीलेंट्रेटा के जंतु रेडियल सिमिट्री वाले होते हैं, उनमें ऊतक स्तर का संगठन, शरीर संगठन ऊतक स्तर का पाया जाता है और दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, जो शरीर है ना, दो प्रकार का पाया जाता है, पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप मतलब जब बेलनाकार शरीर पाया जाता है तो उसे बोलते हैं पॉलिप अवस्था, और ये पाई जाती है हाइड्रा में। और कभी कभी छतरी के जैसी संरचना पाई जाती है, उसे बोलते हैं मेड्यूसा। ये कौन सी अवस्था है? पॉलिप। पॉलिप अवस्था किसमें पाई जाती है? हाइड्रा में। सीलेंट्रेटा के हाइड्रा में पॉलिप अवस्था पाई जाती है और मेड्यूसा अवस्था पाई जाती है जेलीफिश में। जेलीफिश में। और कभी कभी क्या होता है, एक ही जीव में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, वो है ऑरेलिया। ये ज्यादातर बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, नीट वगैरह में पूछा जा सकता है।
अगर बोर्ड में पूछा जाएगा तो सीलेंट्रेटा एग्जाम्पल बताइए, हाइड्रा के नाम से ज़्यादा पूछा जाता है, बोल दीजिए इसमें स्पर्शक रहते हैं, यहाँ पे हाइपोस्टोम रहता है, वहीं पे माउथ रहता है, बेलनाकार शरीर रहता है, नीचे में पेडल डिस्क रहती है, स्पर्शक के द्वारा ये भोजन को पकड़ते हैं, बस इतना ही आएगा, ठीक है। पॉलिप जो हाइड्रा रहता है पॉलिप अवस्था में पाया जाता है, और जेली फिश छतरी के समान रहती है, उसे बोलते हैं मेड्यूसा अवस्था। इस तरह से जेली फिश रहती है, ये देख ऐसे ऐसे रहता है उसका शरीर संगठन, छतरी के समान रहेगा, तो इसे बोलेंगे मेड्यूसा और जेली फिश में रहता। आगे बढ़ जाए, तीसरा संघ है हमारा टीनोफोरा, और इसका एग्जाम्पल है टीनोप्लाना। ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, केवल इसका मुख्य क्या है, टीनोप्लाना एक लिविंग बींग होता है, और टीनोफोरा में जितने भी लिविंग बींग पाए जाते हैं उन सब में प्रकाश उत्सर्जन करने की क्षमता होती है, जीव संदीप्ति प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें बोलते हैं टीनोफोरा के लिविंग बींग्स। उसका एग्जाम्पल है टीनोप्लाना, इससे ज़्यादा टीनोफोरा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पूछा जाता है तो हाइड्रा पूछा जाता है, सीलेंट्रेटा और प्लेटी हेलमिंथीस भी पूछा जाता है। प्लेटी हेलमिंथीस को बोल का एग्जाम्पल क्या है, टीनिया सोलियम या फ्रीता क्रमी, क्या होता है देखिए, प्लेटी हेलमिंथीस के जो लिविंग बींग्स होते हैं वो कैसा होता है, उनका शरीर कैसा हो जाता है, द्विपार्श्व सममित, और स्तर कैसा पाया जाता है, ऊतक स्तर पाया जाता है। इसमें केवल कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन था, लेकिन सीलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटी हेलमिंथीस में कैसा शरीर का संगठन पाया जाता है, ऊतक स्तर, बल्कि प्लेटी हेलमिंथीस में अंग भी बन जाते हैं, ऊतक कोशा, कोशा से ऊतक और ऊतक से अंग, इसमें केवल कोशा था, इसमें ऊतक था और इसमें अंग बन जाते हैं। प्लेटी हेलमिंथीस में क्या बनने लगते हैं, अंग बनने लगते हैं। प्लेटी हेलमिंथीस के जितने भी जीव होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, चपटे क्रमी कहा जाता है। प्लेटी हेलमिंथीस को क्या कहते हैं, चपटे क्रमी। क्यों कहा जाता है चपटे क्रमी, क्योंकि इनका शरीर क्रमी के रूप में रहता है और चपटी क्रमी के रूप में रहता है। टीना सोलियम या फीता क्रमी आपने सबने देखा होगा, है ना। आपको एक एग्जाम्पल इसका चित्र दिखा देते हैं, ये है टीनिया सोलियम, इसे बोलते हैं चपटे क्रमी। देखिए आपको दिख रहा है इनका शरीर कैसा रहता है, चपटा रहता है, पतला ऐसे फीता जैसा, फीता जैसे लड़कियां बांधती हैं ना चोटी में फीता बांधती हैं, बिल्कुल वैसे ही फीते के समान इसका शरीर रहता है। इसका शरीर सेगमेंटेड रहता है, सेगमेंटेड मतलब खंडों से मिलकर बना होता है। टीनिया सोलियम परजीवी के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसमें आगे की ओर चूसक पाए जाते हैं, ये इसका हेड रहता है, मुंह रहता है ना, वहाँ पर चूसक पाए जाते हैं। उस चूसक के सकर SUCKER सकर के द्वारा ये अपने होस्ट से, होस्ट मतलब जिससे इसे भोजन मिलता है, उसके उसकी कोशिकाओं में आंतों में उस हुक के द्वारा, सकर के द्वारा, चूसक के द्वारा चिपका रहता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। इस प्रकार प्लेटी हेलमिंथीस के जितने भी लिविंग बींग होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें अंग तंत्र पाया जाता है, द्विपार्श्व सममित होते हैं, परजीवी होते हैं, परजीवी होने के कारण इनमें चूसक पाए जाते हैं, चूसक हुक के समान होता है जो परजीवी होस्ट में चिपक जाता है और उससे अपना पोषण प्राप्त। इन्हें चपटे क्रमी कहा जाता है क्योंकि इनका पूरा शरीर चपटे फीते के समान होता है, इसलिए इसे इन्हें चपटे क्रमी भी कहा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, इनमें उत्सर्जन विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है, अक्सर पूछा जाता है प्राणी जगत में, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हाइड्रा और प्लेटी हेलमिंथीस, है ना। तो इसमें और ये भी पूछा जाता है कि चपटे क्रमी या टीनिया सोलियम में या फीता क्रमी में उत्सर्जन कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो आपको लिखना है फीता क्रमी में उत्सर्जन होता है किसके द्वारा, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं जो खंडों में पाई जाती हैं, उनके द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन और परासरण नियंत्रण। परासरण नियंत्रण का मतलब होता है पानी की मात्रा को
बनाए रखना किसके द्वारा होता है, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा, किसमें, प्लेटी हेलमिंथिस या फिर चपटे ग्रंथि में, ठीक है। और इसका एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए प्लेटी हेलमिंथिस के, तो आप फीता क्रमी के साथ साथ एक और एग्जांपल दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण है प्लेनेरिया, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। इसके बाद आता है एसके हेलमिंथिस, देखो मैं बार बार इसलिए जाती हूँ ताकि आपको क्रम बना रहे हैं, आपको समझ में आए कि मैडम कहाँ से क्या ले रही हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राणी जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। प्राणी जगत को 11 संघ में या 11 फाइलम में बांटा गया है। 11 फाइलम में से हम लोगों ने अभी सबसे पहले कौन सा पढ़ा, पॉरीफेरा का, पॉरीफेरा का मतलब स्पंज उदाहरण। फिर हमने पढ़ा सीलेंट्रेटा, उसमें उदाहरण पढ़ा हाइड्रा। उसके बाद हमने पढ़ा टीनोफोरा, उसका एग्जाम्पल है टीनोप्लाना। ये ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस मुख्य इसकी विशेषता ये है कि इसमें प्रकाश उत्पन्न करने वाले पिगमेंट पाए जाते हैं, जिससे इनके शरीर से प्रकाश उत्पन्न होता है। उसके बाद आए हम लोग प्लेटी हेलमिंथिस संघ में, संघ कौन सा है, ये पहला पॉरीफेरा, दूसरा सीलेंट्रेटा, तीसरा टीनोफोरा, चौथा प्लेटी हेलमिंथिस संघ। इसका एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम और प्लेनेरिया। इन्हें चपटे क्रमी भी कहा जाता है क्योंकि इनका शरीर चपटा होता है, फीते के समान पतला रहता है, प्लेट के समान, इसलिए इन्हें चपटे क्रमी कहा जाता है। ये परजीवी रहते हैं, इनमें चूषक पाया जाता है। चूषक कैसे, ये क्या करते हैं, अपने होस्ट में, होस्ट मतलब जिससे ये भोजन प्राप्त करते हैं उसके शरीर में अंदर, हमारे शरीर में आंत के अंदर पाया जाता है टीनिया सोली, हमारी आंत में, आंत की दीवार में ऐसे हुक से ऐसे लटक जाता है, ऐसे लटका रहता है, ऐसे हुक से लटका रहता है, ये देखिए ऐसे। और फिर जो भी पोषण हमारे शरीर में जाता है ना, उस पोषण को ये पूरा सोख लेता है और अपनी संख्या बढ़ाता जाता है। बच्चों में ज़्यादा हो जाता है और फिर उसमें क्या होता है, बच्चों को भूख लगती रहती है क्योंकि उनका पूरा पोषण टीनिया सोलियम खा जाता है, क्लियर है, है ना। तो हमने किसके बारे में, टीनिया सोलियम। अब आता है टीनिया सोलियम का शरीर कैसा होता है, द्विपार्श्व सममित होता है और इसमें अंग तंत्र पाया जाता है, क्लियर है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला जो संघ पढ़ेंगे, अगला संघ है एनीलिडा। एनीलिडा का उदाहरण है केंचुआ, अर्थवर्म, अर्थवर्म या केंचुआ, ठीक है। इसके पहले एस के, अच्छा एक और है, हम संघ यहाँ लिखना भूल गए हैं, एस के हेलमिंथिस और होता है, एस के हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस के बाद एस के हेलमिंथिस, वहां नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ बड़े से लिख देती हूँ एस के हेलमिंथिस, ये क्या लिखा है, एस के हेलमिंथिस, इन्हें कहते हैं गोल क्रमी, क्योंकि जब इनके जब अनुप्रस्थ काट को हम लोग देखते हैं ना तो वो गोल गोल दिखाई देती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं गोल क्रमी। और इसका उदाहरण है एस्केरिस, गोलक्रमी का उदाहरण है एस्केरिस। एस्केरिस कैसे दिखता है और क्या होता है हम आपको बता दे रहे हैं, एक चित्र दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इनका जो इसके जीव होते हैं ना, एस्केरिस जो होता है उसका शरीर कैसा होता है, सांप जैसा होता है, सांप बहुत बड़ा रहता है, बहुत छोटे होते हैं, गोल पतला बेलनाकार शरीर होता है, और इसकी जो फीमेल होती है उसका साइज बड़ा होता है और मेल का साइज छोटा होता है। मेल का जो टेल रहता है वो पीछे से मुड़ा हुआ रहता है और फीमेल हमेशा सीधी रहती है। और इसके शरीर जो इनके शरीर होता है ना उसमें मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। चलिए पहले बता देते हैं आपको उसका चित्र, ये है एस्केरिस। देखिए
देख पा रहे हैं आप लोग, ये एस्केरिस का चित्र है, ये है फीमेल एस्केरिस और ये है मेल एस्केरिस। यानी एसके हेलमेंथीज में जितने जीव आते हैं उनमें मेल और फीमेल अलग अलग भी हो सकते हैं और एक में भी हो सकते हैं। ये एस्केरिस में मेल और फीमेल अलग अलग रहते हैं। एस्केरिस की फीमेल बड़ी होती है लंबाई में और मेल छोटा होता है। मेल की पूंछ पीछे से हमेशा मुड़ी हुई रहती है। ये एस्केरिस जो होता है इसमें भी चूषक पाया जाता है, क्योंकि ये किस तरह के रहते हैं, परजीवी, कृमि कैसे रहते हैं, परजीवी टाइप के रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने जिस होस्ट पर पाए जाते हैं ना उससे पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, चूस के प्राप्त करते हैं, चूषक लगे रहते हैं। जो कुछ भी होस्ट भोजन खाता है पचने के बाद जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो इसको ये लोग चूस कर ले लेते हैं। ये है एसके हेलमिंथीज। इनमें क्या होता है, इन सारे जीवों में कैसा द्विपार्श्व सम्मित, यानी इनको दो बराबर भागों में तब बांटा जा सकता है जब बीच से हम लोग सीधी एक रेखा खींचें। इनमें अंग तंत्र पाया जाता है, द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। इनमें देह गुहा पाई जाती है, झूठी देह गुहा पाई जाती है, यानी देह गुहा बनना शुरू होती है। अब आप कहोगे देह गुहा क्या होती है, वो हम आपको बताएंगे जब डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इनके शरीर जैसे है ना, हमारे शरीर में क्या होता है बच्चों, हमारे शरीर में मध्य में क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, देखिए है ना आप लोग। तो रीढ़ की हड्डी और हमारी जो बाहर त्वचा रहती है इसके बीच में एक गुहा पाई जाती है पूरे शरीर में, उसको बोलते हैं देह गुहा। और जितने विकसित एनिमल्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिस्तरीय शरीर वाले, उनमें देह गुहा पाई जाती है। अभी हम आपको बता देते हैं इसके बारे में, आप सोचेंगे देह गुहा क्या होती है, बता दे रहे हैं इसको, है ना। तो इनके शरीर का जो शरीर है ना मोटी क्यूटिकल से ढका रहता है, ये बहुत मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, पूरे शरीर को ढके रहती है। क्यों ढके रहती है, जिससे इन पर दवाइयों वगैरह का जल्दी से असर ना हो, ठीक है। क्योंकि ये परजीवी होते हैं, तो जीव जो होता है अपने आप को बचाएगा ना परजीवी से, तो बचाने के लिए कुछ कुछ रसायन वगैरह छोड़ता है। उस रसायन से बचने के लिए एस्केरिस के, ये भी कहाँ पाई जाती है, मनुष्य की आंत में पाई जाती है और भी कई जगह पाई जाती है ना। तो उससे बचने के लिए इनके जीवों के शरीर में मोटी क्यूटिकल का आवरण चढ़ा रहता है। क्लियर हुआ, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। अब आप चलिए मैं बता देती हूँ डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, है ना। इतना क्लियर है। और इसका उदाहरण तो क्या हुआ, एस्केरिस हुई। एस्केरिस को क्या बोलते हैं, गोलकृमि, और दूसरा उदाहरण है बुचेरिया, इसको बोलते हैं फाइलेरिया कृमि। जो फाइलेरिया होता है ना वही फाइलेरिया कृमि। क्लियर है। इसके बाद पढ़ लेते हैं एनीलिडा। एनीलिडा पढ़ लेंगे फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि द्विसम्मित और त्रिसम्मित जीव क्या होते हैं, ठीक है। अगला पढ़ लेते हैं एनीलिडा। देखिए अगला है एनीलिडा, और एनीलिडा का एग्जाम्पल है केंचुआ, अर्थवर्म, आप सबने देखा होगा। अर्थवर्म क्या है, उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी का मतलब होता है जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जीव में पाए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी एनिमल्स। द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी जीव, ये केंचुआ होता है, ठीक है। इसका शरीर कैसे बना होता है, एनीलिडा का मतलब ही होता है ऐसे जीव जिनका शरीर खंडों में बटा, ठीक है। तो एनीलिडा में जितने जीव पाए जाते हैं उनका शरीर कैसा होता है, खंडों में बटा रहता है। जैसे केंचुए का शरीर, नेरिस का शरीर, हिरुडिनेरिया जिसे जोक बोलते हैं ना आप लोग, उसका भी शरीर कैसा रहता है, खंडों में बटा रहता है। आपने जोक का नाम तो सुना होगा और तालाब वगैरह में कभी देखा भी होगा, शरीर से चिपक जाती है तो रस को चूस लेती है पूरा, है ना। हिरुडिनेरिया वो भी एक जोक है,
जो रक्त को चूस लेती है। कभी कभी तालाब में नहाते समय अगर जोंक, तालाब में पाई जाती है पानी में, अगर जोंक मिल जाती है ना तो वो चिपक जाती है शरीर से चूषक के द्वारा, बहुत मजबूती से चिपक जाती है और चिपकने के बाद शरीर के रुधिर को चूसने लगती है। तो किसके किसका एग्जाम्पल है? एनिलिडा का एग्जाम्पल है। और एनिलिडा का ये एग्जाम्पल है कैंचुआ, हिरुडिनेरिया या रक्त चूसक जोंक या फिर नेरिस, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, इनमें क्या होता है, ये सारे जलीय जीव होते हैं और इनमें पार्श्वपाद पाए जाते हैं। पार्श्वपाद पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं पैरापोडिया, मतलब बहुत सारे पैर पाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं पैरा। हर खंड में पाए जाते हैं तो भी उसे बोलते हैं पैरापोडिया। पैरा मतलब बहुत सारे, पार्श्वपाद किनारे की ओर पैरों का पाया जाना, क्या बोलते हैं? पार्श्वपाद। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। किसमें पाए जाते हैं? एनिलिडा, नेरिस वगैरह में, नेरिस में पाए जाते हैं। आप अर्थवर्म में कहोगे तो नहीं, अलग अलग जीव में अलग अलग है, लेकिन ये है सब एनिलिडा के, क्योंकि इनका शरीर कैसा होता है? खंडों में बटा रहता है। अब क्या होते हैं ये जीव, कैसे होते हैं? इनमें गुहा पाई जाती है। शरीर संगठन स्तर कैसा रहता है? अंग तंत्र रहता है। शरीर संगठन कैसा रहता है? अंग तंत्र रहता है। इनमें सम्मिति कैसी रहती है? द्विपार्श्व सम्मित रहती है। ये देखिए आप इसको पढ़ते जाइएगा, इसके नीचे ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। और इसमें सबसे मुख्य चीज जो होती है, इनमें उत्सर्जन व्रकक या फिर नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। किसमें? एनिलिडा। एनिलिडा मतलब कैंचुआ, नेरिस, हिरुडिनेरिया या जोंक, उनमें जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? वृक्किक, वृक्कक या फिर नेफ्रिडिया। किसमें? एनिलिडा में। देखिए यहाँ लिख देते हैं एनिलिडा में उत्सर्जन। अक्सर पूछा जाता है एनिलिडा में, कैंचुए में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो आप बोलिएगा नेफ्रिडिया, उसको हिंदी में बोलते हैं वृक्कक, नेफ्रिडिया। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, नेफ्रिडिया या वृक्कक। ये विशेष प्रकार की रचनाएं होती हैं, इनकी रचना आपके कोर्स में नहीं है, केवल आपको ये जानना है कि कैंचुए में वृक्कक या नेफ्रिडिया के द्वारा उत्सर्जन होता है, और प्लेटी हेलमेंथीज चपटे कृमी में किसके द्वारा होता है? ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है। इतना क्लियर है? अच्छा, आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए पढ़ाई पर। चैट बॉक्स में बहुत सारी बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद हो रहा है क्लास, इसलिए भी हो सकता है, लेकिन आप लोग चैट ज़्यादा मत कीजिए। क्लियर हुआ या नहीं इतना ये बताइए, फिर मैं आगे पढ़ती हूँ। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बताऊँगी फिर मैं आपको, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ है चैट बॉक्स में बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूँगी। यह है हिरुडिनेरिया, रक्त चूसक जोंक, यही है। ये है ना, तालाब वगैरह में नहाते नहाते कभी कभी चिपक जाती है। एनिलिडा का एग्जाम्पल है। इसका शरीर देखिए, पूरा शरीर किसमें बटा हुआ है? खंडों में बटा हुआ है, और छोटे छोटे पैर भी पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब आपको बता देते हैं डिप्लो द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय एनिमल्स। देखो, इसको समझने के पहले आपको क्या समझना होगा, जो लिविंग बींग होते हैं ना बच्चों, है ना, जो लिविंग बींग होते हैं उनका शरीर किससे बना होता है? तीन स्तरों से मिलके बना होता है, ठीक है। तीन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, बाह्य चर्म, मध्य चर्म, अंतःचर्म, ठीक है। वो जीव जिनका शरीर केवल बाह्य और अंतःचर्म से बना होता है उन्हें बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय जीव। जिनका शरीर तीन स्तरों से मिलकर बना होता है, मतलब बाह्य चर्म, मध्य चर्म, अंतःचर्म,
तो उसे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, जितने भी विकसित लिविंग बींग होते हैं वो सब क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिनका शरीर तीन स्तरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अगले क्लास में अब हम लोग फिर मिलते हैं, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे जो संघ है ना। इसके आगे वाले संघ है ना, इसको अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज और एनिलिडा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आज पढ़ ली हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कल पढ़ेंगे। टोटल 11 संघ हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो कल मतलब हम लोग पढ़ेंगे परसों, हमारा क्लास अब कब होगा, थर्सडे को। तो थर्सडे को मिलते हैं, थर्सडे का क्लास बहुत लंबा नहीं होगा क्योंकि 5 संघ को शॉर्ट में बताना है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। किसी को कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, है ना, और चैट बॉक्स में बहुत सारा बात कर रहे थे, आप लोग बात मत कीजिए, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप क्लास को ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू।